दोस्तों, मलीना WWE की एक ऐसी खूबसूरत व्यूमन रेसलर थी जिसने एक समय पर लाखों फैंस को अपना दीवाना बना रखा था। तो आइए जानते हैं WWE के ऐसे 5 रेसलर्स के बारे में जिन्होंने मलीना की बेइज्जती की। इनमें से एक रेसलर ऐसा भी होगा जिसने मलीना के साथ घपाघप करके उनका मजाक भी उड़ाया था। नंबर 5, बिग शो। दोस्तों, 14 नवंबर 2005 के मंडे नाइट रॉ में उस समय के WWE रॉ टैग टीम चैंपियंस बिग शो और केन का सामना स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियंस M&M से हुआ था, जो कि जॉनी नाइट्रो, जॉय मर्क्यूरी और मलीना की टीम थी। यहां एंट्रेंस के वक्त ऐसा लग रहा था मानो बिग शो मैच से पहले भावुक होकर खूब रोए हो, क्योंकि वो रोते रोते हंस भी रहे थे। इस मैच में बिग शो और केन ने M&M को बुरी तरह से धोते हुए उन्हें रौंद कर रख दिया था। इसी दौरान बिग शो का ध्यान भटकाने के लिए मलीना रिंग पर चढ़ी और जैसे ही उन्हें थप्पड़ मारने गई, वैसे ही बिग शो ने उनका हाथ पकड़ा और कसकर उनके होठों पर पप्पी दे डाली। 10 सेकंड्स का लंबा किस देने के बाद बिग शो ने केन के साथ मिलकर जॉनी नाइट्रो को चॉक स्लैम दिया और उन्हें हरा कर मैच जीता। वहीं मलीना के साथ कुछ पल पहले जो कुछ भी हुआ था उसे याद करके वो रोने लगी। तभी बिग शो बोले, देखा मेरा कमाल। नंबर 4, हॉर्नस्वॉगल। दोस्तों, रॉ के एक एपिसोड में टकलासुर जोनाथन कोचमैन मलीना को लालच देते हुए कहते हैं कि अगर वो हॉर्नस्वॉगल को अपने साथ डेट पर ले जाती हैं, तो उन्हें WWE वुमेन्स चैंपियन को टाइटल मैच में चैलेंज करने का मौका मिलेगा। इसी वजह से उस रात जब विंस मिकमैन, मलीना, हॉर्नस्वॉगल और जोनाथन कोचमैन के बीच सेगमेंट हुआ, तो उसमें मलीना हॉर्नस्वॉगल से कहती हैं कि तुम बहुत क्यूट हो और मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे को और जानने की जरूरत है। ये सारी बातें सुनकर हॉर्नस्वॉगल गपागप करने के मूड में आ जाते हैं और सीधा मलीना पर कूद पड़ते हैं, लेकिन विंस मिकमैन और कोचमैन मिलकर हॉर्नस्वॉगल को मलीना से अलग करते हुए कहते हैं, बेटा, तुम और तुम्हारा नुनू दोनों ही ये सब करने के लिए अभी बहुत छोटे हो। फिर उसी रात मलीना जिलियन हॉल को बताती है कि उन्हें हॉर्नस्वॉगल बिल्कुल भी पसंद नहीं है और उन्होंने जोनाथन कोचमैन के कहने पर ये सब किया। असल में हॉर्नस्वॉगल बहुत गंदा है और उसके पास से बहुत गंदी बदबू आ रही थी, इसलिए मैं नहाने जा रही हूँ। फिर जब मलीना बाथरूम में नहा रही थी, तभी अचानक से हॉर्नस्वॉगल भी वहाँ आ गए। इतनी खूबसूरत लड़की को अपने सामने देखकर वो अपना होश खो बैठे। फिर जैसे ही मलीना ने स्वॉगल को देखा, वो जोर जोर से चिल्लाने लगी और फिर टॉवल लपेट कर वहाँ से भाग गई, पर हॉर्नस्वॉगल भी उनका पीछा कर रहे थे। आखिरकार अंत में हॉर्नस्वॉगल ने मलीना का टॉवल पकड़ा और उसे पूरा खींचकर सब कुछ देख लिया और नाचने लगे। यही नहीं, इसके अगले हफ्ते हुए रॉ में एक बार फिर से हॉर्नस्वॉगल ने मलीना की बेइज्जती की। दरअसल जब मलीना और मिकी जेम्स का मैच हो रहा था, तभी वहां अचानक से हॉर्नस्वॉगल आ गए। इसी वजह से मलीना वो मैच हार गई। फिर गुस्से में मलीना स्वॉगल का पीछा करते हुए रिंग के नीचे घुस गई, लेकिन कुछ देर बाद रिंग के नीचे से मलीना नहीं बल्कि पहले हॉर्नस्वॉगल निकले और उनके हाथ में मलीना के कपड़े थे और मलीना अपना चेहरा बाहर निकालते हुए कहती हैं कि मुझे मेरे कपड़े वापस दे दो, लेकिन हॉर्नस्वॉगल उन्हें उनके कपड़े वापस नहीं देते और वहां से भाग जाते हैं। इस तरह से एक बार फिर मलीना को सबके सामने शर्मसार होना पड़ता है। नंबर 3, रिक फ्लेयर। दोस्तों, साल 2006 के रॉ के एपिसोड में रिक फ्लेयर, मलीना और इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन जॉनी नाइट्रो के बीच सेगमेंट हुआ था, जहां जब मलीना और जॉनी नाइट्रो की एंट्री हुई तो उस वक्त इन दोनों के बीच रोमांस और प्यार देखने को मिला। इस सेगमेंट के दौरान जॉनी नाइट्रो रिक फ्लेयर पर हमला कर देते हैं, पर बाद में फ्लेयर उन पर ही भारी पड़ जाते हैं। एक मोमेंट पर जब रिक फ्लेयर जॉनी नाइट्रो को फिगर फॉर लेग लॉक देने गए, तभी नाइट्रो ने उन्हें धक्का दिया, जिस वजह से फ्लेयर सीधा जाकर मलीना से टकराए और मलीना नीचे गिर गई। इस वजह से मलीना के पैर में चोट लग जाती है और नाइट्रो उन्हें अपने साथ लेकर चले जाते हैं। लेकिन अब मलीना कहां अपना बदला लिए बिना रह सकती थी। कुछ हफ्तों के बाद जॉनी नाइट्रो और रिक फ्लेयर के बीच सिंगल्स मैच हुआ। बूढ़े होने के बावजूद भी फ्लेयर ने नाइट्रो को अच्छी खासी टक्कर दी थी। मैच के अंत में जब जॉनी नाइट्रो नेचर बॉय को अपना कॉर्कस्क्रू मून सॉल्ट देने गए, तो रिक फ्लेयर वहां से हट गए और नाइट्रो की वाट लग गई थी। इसके बाद जैसे ही प्लेयर नाइट्रो को अपना फिगर फोर लेग लॉक लगाने गए, उसी वक्त हार्डकोर लेजेंड मीक फॉली अचानक से मैच के बीच में आ जाते हैं और फ्लेयर की ठुकाई करने लगते हैं। इतने में मलीना पीछे से आकर रिक फ्लेयर, जिन्हें दूसरे रेसलरों के अखरोटों का शिकार करने में बड़ा आनंद मिलता है, उनके अखरोट फोड़ देती हैं, जिसके बाद मीक फॉली रिक फ्लेयर की रिंग के बाहर भी जम के ठुकाई करते हैं। लेकिन फॉली की इस वफादारी का मलीना ने उन्हें क्या सलाह दिया, जानना चाहते हैं।
कुछ हफ्तों के बाद जब विंस मिकमैन, शेन मिकमैन, मिक फॉली और मेलिना के बीच सेगमेंट हुआ तो वहाँ विंस मिकमैन ने मिक फॉली से कहा कि अगर तुमने मेरे पिछवाड़े पर किस नहीं किया तो मैं मेलिना को WWE से निकाल दूंगा, जिसके बाद मेलिना रोने लगी। ये नजारा देखकर और विंस की बातें सुनकर फॉली भावुक हो गए और उन्होंने विंस की मांग पूरी कर दी ताकि मेलिना को कंपनी से ना निकाला जाए। लेकिन मेलिना ने उसके बाद में फॉली के ही अखरोटों का शिकार कर डाला और कहा तुम्हें इस कंपनी से निकाला जाता है। फिर मिक फॉली कहते हैं अच्छा सिला दिया तूने मेरी दोस्ती का, इसलिए किसी ने सच ही कहा है नारी कुछ भी कर सकती है। नंबर दो, एशली। दोस्तों रॉ के एक एपिसोड में कैंडिस मिशेल और मेलिना के बीच मैच होता है। इस मैच की शर्त ये थी कि जो भी पहले अपने विरोधी के कपड़े उतार देगा वो जीत जाएगा। फाइनली मेलिना ने मैच के अंत में कैंडिस के कपड़े उतार कर ये मैच जीत लिया था। पर मैच के बाद में एशली वहां आ जाती है और अचानक से रिंग में आकर वो मेलिना के कपड़े उतार कर मौज करके उनकी जम के बेइज्जती करती है। फिर महाबली खली वहां आ जाते हैं क्योंकि उस समय उनकी दुश्मनी केन के साथ चल रही थी और उन्हें लगा कि अगर वो एशली पर हमला करेंगे तो केन उन्हें बचाने के लिए वहां आएंगे। इसी वजह से रिंग में आते ही खली ने एशली को डराया और फिर उनकी गर्दन पकड़ ली। फिर उन्होंने कहा कि बुला केन को, बुला साले को, लेकिन केन वहां नहीं आए। फिर बेचारे जेरी लोलर ने आकर एशली को तो बचा लिया पर जेरी खुद को नहीं बचा सके और द ग्रेट खली ने उनका जम के टपाटप कर डाला था। नंबर एक, बटिस्टा। दोस्तों मेलिना की टीम यानी कि स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियंस M&M को अपने टाइटल्स बटिस्टा और रे मिस्टीरियो की टीम के खिलाफ डिफेंड करना था। इसी वजह से मेलिना ने सोचा कि अगर वो बटिस्टा के साथ घपाघप कर ले तो बटिस्टा उनकी तरफ हो जाएंगे और उनकी सारी बातें मानेंगे। फिर 16 दिसंबर 2005 के स्मैकडाउन में जब बटिस्टा बैकस्टेज चेयर पर बैठे बैठे पानी पी रहे थे तभी मेलिना वहां आ गई और उन्हें गलत तरीके से छूने लगे। फिर मेलिना ने कहा अगर तुम आज मेरी टीम के खिलाफ होने वाले मैच को हारने का वादा करो तो मैं तुम्हारी आज की रात बहुत खूबसूरत बना दूंगी। फिर बटिस्टा कहते हैं क्या सच में तुम ऐसा करोगे? मेलिना कहती हैं रुको मैं तुम्हें अब दिखाती हूँ। फिर ये दोनों किस करते हैं और अचानक से स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। काले पर्दे के पीछे इन दोनों के बीच खेल शुरू हो जाता है। खेल खत्म होने के बाद जब मेलिना कपड़े पहनते हुए बटिस्टा से कहती हैं अपना सौदा तय है ना बाबू, जिसके जवाब में बटिस्टा ने जवाब दिया सौदा, कौन सा सौदा, तुमने तो मेरा वार्म अप करवा दिया जानेमन, इसके लिए शुक्रिया, अब मैं मैच में जम के धमाल मचाऊंगा और सबकी फाड़ूंगा, तुम बहुत मस्त हो, सच में मजा आ गया तुम्हारे साथ खेलकर, अगली बार वार्म अप नहीं पूरा वर्कआउट करूंगा तुम्हारे साथ। मतलब यहाँ बटिस्टा ने मेलिना के मजे भी ले लिए और ऊपर से उनकी बेइज्जती भी कर डाली। वहीं बटिस्टा की ये सारी बातें सुनकर मेलिना काफी हैरान रह जाती है। तो दोस्तों मेलिना के इन 5 पलों में से आपको सबसे मजेदार पल कौन सा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में था इतना ही, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। बिलीव इन गॉड एंड थैंक्स फॉर